बाय गॉड क्या चंगा रोल है। और प्रतिमा जी, रोल की लंबाई में कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ 5 सीन्स लिखे हैं, लेकिन ऐसे कमाल के लिखे हैं राइटर ने। और आप अगर परफॉर्म करेगी ना तो इस साल का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड आपकी जेब में होगा। हाँ बिल्कुल सही फरमाया सर जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अजी आपका सपोर्ट हो तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के आप बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेके जाएंगी। देखिए सुनहरा मौका है, आप तो जानती हैं हमारे सर जी अपना हाथ जिसके भी सर पर रख दें वो जल्द से जल्द सुपरस्टार बन जाता है। और छड्डे यार, तू क्यों तारीफ कर रहा है मेरी? हाँ तो आप हमारी फिल्म करेंगी ना? जी वो मैं सोच कर बताऊंगी। धैर्य तेरे की मैडम, अजी इसमें सोचना क्या, किस्मत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आई है, वरना हमारे सर जी के साथ तो लड़कियां सिर्फ एक सीन का रोल करने तक को तैयार हो जाती हैं, सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। मेरा मतलब समझ गई ना आप? मैं तो सिर्फ रोल ही करूंगी और वो भी सोचने के बाद, मुझे वक्त चाहिए। हाँ लेकिन शाम तक जरूर बता दीजिए, वो जोया है ना इस रोल के पीछे पड़ी है। हर रोज 4-4 बार फोन करती है सर जी को। क्यों सर जी? आगे तुहाडी मर्जी जी। सर जी ये लड़की कुछ ज्यादा ही फुदक रही है, कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। मैं तो कहता हूँ जोया को बुला लीजिए, फाइनल कर दीजिए। अरे शाम की तो बात है, इंतजार कर लेते हैं। लेकिन एक बात है। क्या सर जी? जो गर्ल प्रतिमा में है वो जोया में कितने? हाँ क्या बात है सर, क्या बात है, आपकी नजर को मानना चाहिए, बहुत पारखी नजर है, बहुत जोरी नजर है, वाह। अरे प्रतिमा जी। अरे अरे आप कहाँ जा रही हैं आप? टीवी स्टेशन? हाँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी ना। मैं भी वही जा रहा हूँ, आइए ना, आइए 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 प्लीज आइए। चलो भैया। आप इस तरफ कैसे जा रहे हैं? मैं भी टीवी स्टेशन जा रहा हूँ। वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो कंपनी ने मुझे वहाँ का इंचार्ज बनाया है। आपका काम तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का घर बनाते हैं। नहीं घर तो इंसानों और रिश्तों से बनता है, हम तो सिर्फ मकान बनाते हैं, बाद में लोग अपनी दुनिया उसमें बसाकर घर बनाते हैं। आपकी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। चलिए शुक्र है, कम से कम आपको तो पसंद आई। मतलब? नहीं लोग कहते कि मैं बहुत रूखा सा इंसान हूँ। ओह लोग मतलब नीलो आए। आप इस तरफ से कहाँ से आई? मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया है उनकी फिल्म में। तो क्या कहा आपने? क्या कहना चाहिए था? नहीं मेरा मतलब है आपको फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, थिएटर ही अच्छा है। क्यों? फिल्में क्यों नहीं? वो हिंदी फिल्म की हीरोइन जो होती है बहुत बदनाम होती है, बहुत गॉसिप्स होते हैं उसके बारे में। आप भी यही सोचते हैं ना? नहीं मगर बेफजूल में अपना नाम क्यों बदनाम करना चाहिए? दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग होते हैं। हाँ एनीवे टीवी सेंटर आ गया। हाँ भैया रुको रुको लेफ्ट में रुको। अच्छा जी बाय 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 सी यू। आ रहा हूँ भाई। हेलो भाई। आई कांट बिलीव इट। चौंका दिया ना। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऑफ कोर्स आई ओह आई एम सॉरी।
सॉरी तुम नहीं सुधरोगे नीलम। यस बैठिए। ये बताओ आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? क्या करे, तुम तो हमें याद करते नहीं, तो हमने सोचा कि चलो हमें याद कर ले। वैसे क्या कर रहे थे तुम? अरे भाई एक नाटक वाला और क्या कर सकता है, नई स्क्रिप्ट लिख रहा है उस नए प्ले के लिए। हाँ उस पार। अरे भाई कभी तो हमें भी अपने प्ले में काम दो। आखिर तुम्हारी उस हीरोइन क्या नाम है उसका, प्रतिभा नहीं प्रतिमा पाटिल राइट? उससे तो ज्यादा डिमांड है हमारी। तुम नाटक में काम करोगी? क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं प्ले में काम? भाई थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हमें भी आती है। ये बात नहीं है, तुम्हारी दो फिल्में रिलीज हो चुकी है और दो फ्लोर पर है इसलिए कह रहा हूँ। तो क्या हुआ निलोय, तुम्हारे इस प्ले की हीरोइन सिर्फ मैं होंगी और कोई नहीं, समझे? उसके पहले मैं अपना नाटक तो पूरा कर लूं। हाँ लिखो ना। देखो मुझे लेने से तुम्हारे प्ले की कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि काफी लोग आएंगे उसे देखने के लिए मेरी वजह से। यही तो ट्रेजेडी है। क्या अब थिएटर भी फिल्मों का मोहताज हो गया है? ठीक है तुम मेरे नए नाटक में काम करोगी उस पार, तुम्हारी को एक्ट्रेस होगी प्रतिमा पाटिल। दैट्स ग्रेट, मजा आएगा। कम से कम उसे भी तो पता चले कि एक्टिंग किसे कहते हैं। तू भी ना यार प्रतिमा, अरे इसमें सोचना क्या है, जब काम सामने से चल के तेरे पास आ रहा है तो क्या सोचना क्या है इसमें? मैं खुद को ना फिल्म के माहौल में फिट ही नहीं कर पाती। हाँ। वो एक्सपोजर, वो ग्लैमर। अरे यार तू भी कमाल करती है, फिर तो तू रहेगी वही छोटे शहर की मिडिल क्लास मेंटालिटी वाली। पता नहीं यार तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू ग्लैमरस नहीं है? क्योंकि मुझे खुद के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। है तेरी सिंपलिसिटी में जो ग्लैमर छिपा है ना उसे तू पहचान नहीं पा रही है। अरे कभी दूसरों की नजर से अपने आप को देख। मुझे तो फिल्म के नाम से ही डर लगता है। पागलपन है, अरे एक बार फिल्म में काम करके तो देख। अरे दूर से देख के घबराना तो बेवकूफी है प्रतिमा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी वो प्रोड्यूसर को बता दे कि मैं वो रोल करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं वो तो वैसा वाला रोल है यार, सपोर्टिंग एक्ट्रेस वाला, दो चार इमोशनल सीन, उसके बाद एक हाथ रेप सीन और उसके बाद राम नाम सत्या। जो भी है यार तुझे वहाँ सेट पे जाके वहाँ का माहौल समझने का एक मौका तो मिलेगा। कोई और ऑफर आएगा उसमें कर लूंगी। देख प्रतिमा फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत किसी का इंतजार नहीं करती। नहीं करने दो, एक्चुअली मुझे अपना थिएटर ही अच्छा लगता है, मैं खुश हूँ यहाँ। तू है ना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जरूरत से ज्यादा सीधी। चल अब। सुलभा सुलभ कब तक लौटोगे? शेड्यूल तो 15 दिन का है लेकिन 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। मुझे दिल्ली में 8 दिन लगेंगे। इसका मतलब है प्रतिमा को 1 हफ्ता अकेले रहना पड़ेगा? नहीं मैंने आकांक्षा से बात कर ली है, मैं जब तक नहीं लौटूंगी वो यहाँ रहेगी। गुड। चलो मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। टेक केयर। झोपड्या तोडण्याच्या निषेधार्थ संतप्त निदर्शने करणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांवर केलेल्या गोळीबारात 2 जण ठार तर 10 जण जखमी झाले। या घटनेमुळे संपूर्ण जळगाव शहरातील वातावरण तंग बनले आहे। हजारो कोटींच्या मॅच फिक्सिंग प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांची आज प्रथमच सीबीआय समोर साक्ष झाली। सीबीआयने तब्बल 6 तास संबंधितांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली। दूसरों को खबर सुनाते सुनाते कभी कभार हमारी भी खबर ले लीजिए। खबर दोगे तो लेगी ना यार। बाबू मोशाय कब आए? भाई आप जब मराठी खबरें सुनकर समझने की जो कोशिश कर रहे थे तब आए। अरे समझने की कोशिश कौन कर रहा था, हम तो बस यूं ही यूं ही यूं ही
अच्छा सुन, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बोलो। एक प्रोड्यूसर के साथ मेरी मीटिंग है। क्या बात है? और शायद हो सकता है थोड़ी लंबी खींच जाए, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ है ना, एक मिनट। हाँ आकांक्षा, तेरा फोन है। मेरा? हेलो, क्या सुसाइड? ओ माय गॉड, अभी अभी जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है सर, मैं चली जाऊंगी। ओके, कहीं जाना है बेटे? आई वो आ पा रहा है ना सोशल वर्कर, उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, कवरेज के लिए जाना पड़ेगा मुझे। कब तक लौटेगी? पता नहीं आई, मुझे वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुझे तो प्रतिमा के घर जाना था ना, वो अकेली है। शायद आज मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं को डायरी लेना भूल गई। मैं इसके नौकरी का तो भगवान ही मालिक है। चल मैं निकलती हूँ, हफ्ते भर में आ जाऊंगी। अरे लाइट का टाइम हो गया? हाँ लेट ही हो गया है। सुन डरना मत, आकांक्षा तेरे साथ रहेगी और अमोल और मैं हर रोज तुझे फोन कर लिया करेंगे। ओके बाय। टेक केयर मामा। बाय। हेलो। हेलो, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटे, कैसे है? अच्छी हूँ। आकांक्षा है? नहीं, वो तो कवरेज के लिए गई है। क्या कब आएगी? कुछ आइडिया नहीं बेटे। हाँ वो बोल के गई थी कि आज वो तुम्हारे घर नहीं आ पाएगी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगी। बाय। हवलदार यहां नजर रखो, मैं भी आता हूं। हाँ
हैं। पुलिस, हेलो मैडम। हेलो मैडम, आप किसी भी अनजान आदमी को घर में मत आने देना, क्योंकि अभी अभी जो शूटआउट हुआ है वो आदमी इसी एरिया में छुपा है। सो प्लीज टेक केयर। ओके, नहीं मैं मृत्युंजय बोल रहा हूँ। जय, जय। क्या हुआ, तुम इतनी घबरावी क्यों हो? जय, जय, मेरे घर के सामने शूट आउट हुआ है, मैं घर पर अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? अच्छा ठीक है, तुम मेंबर से काम लो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। ओके ठीक है। जय कम सुन। हाँ बस पहुँच ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखो प्रतिमा, डरने की कोई बात नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने शूट आउट होते हुए देखा। हाँ मगर अब हाँ पुलिस आ गई है, उन्होंने उसको मारा। बस 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 बस, देखो रो मत, मैं आ गया हूँ ना। हाँ एक काम करते हैं, देखो तुम मेरे साथ घर चलो, रात को वहीं रुक जाना। हाँ मामला जब ठंडा हो जाएगा तो सुबह को हम वापस आ जाएंगे। ओके मुझे बहुत डर लग रहा है। बस, 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 बस।